हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के शेयर में दोस्तों 20% का उछाल हुआ है। दोस्तों इसमें क्या चल रहा है? ऐसा है दोस्तों कि कहीं क्या इसके शेयर होल्डर्स की लॉटरी लगने वाली है? इसमें क्या होने वाला है? इसमें क्या है न्यूज़? पूरा जानेंगे। शेयर किस तरह का है, इसमें ऐड करना चाहिए क्या, निकलना चाहिए कि पूरा आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये हमारा चैनल एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको एक एनालिसिस के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लेना है। इसमें कोई बाइंग का सेलिंग का हम रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखो, ऊर्जा ग्लोबल पर ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, तो ये यहाँ पर आप ऊर्जा ग्लोबल और कंपनी का नाम और श्रवण आर्य डालोगे तो यहाँ पर देखो दो वीडियो निकल के आएगा, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद अभी इसका करंट स्टेटस हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप देखो 673 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है। करंट प्राइस देखो 12 रुपीज 80 पैसा चल रहा है। 13 का हाई था, हाई पर ही चल रहा है, हाई से थोड़ा ही आसपास चल रहा है। 6 रुपए का लो इसने बनाया हुआ था। और पी देखा जाए तो बाप रे, इसका देखो 314 का पी चल रहा है। एकदम एकदम कॉस्टली दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका इंडस्ट्री पी 36 का आसपास है, यहाँ पर है इसका पी 314 यहाँ पर दिखा रहा है। इसका पीयर कंपोजिशन के हिसाब से पी देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 50-60 ऐसे ही पी नजर आ रहा है। तो इसमें इसका ये फी सबसे बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ है एकाध, लेकिन उसका ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा 314 का पी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि 12 रुपए का शेयर है सस्ता है, ऐसा नहीं है। इसके ये क्या आपको दे रहा है वो भी इम्पोर्टेंट। इसका बुक वैल्यू, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से इसका वैल्यू निकल के आता है 3 रुपया दे रहा है, 12 रुपया 80 पैसा, 13 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये 4 गुना महंगा नजर आ रहा है। यहाँ पर 4 गुना है प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी 3.88। तो इस तरह से देखा जाए तो पीईजी रेशियो भी देखो 10 है, यानी कि एक से कम होना चाहिए। हम जैसे प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जो है ना, पीईजी रेशियो, तो वो भी एक से कम होना चाहिए, भी महंगा है। ये तीनों पैरामीटर से ये महंगा नजर आ रहा है। और प्रमोटर्स होल्डिंग देख रहे हो 22%, मतलब देखो बहुत कम, 50% से के ऊपर ही कभी कभी प्रमोटर होल्डिंग होने चाहिए। प्रमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग बहुत कम है, ये भी माइनस पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसके जैसे देखेंगे प्रमोटर्स का हिस्सेदारी देखो दिसंबर 20 में यहाँ पर 31.55 हुआ करता था। अब यहाँ पर अब देखो कम होते होते 30%, 28, 27, 22 तक हो गया है इस तरह का। पब्लिक शेयर होल्डिंग 67 से बढ़ते बढ़ते 77, पूरा का पब्लिक पब्लिक के हाथ में होता जा रहा है शेयर। और शेयर बहुत ही वॉलेटाइल है जैसे कि देखा जाए तो ये। और बाकी का देखो आरओसी और आरओई देखेंगे तो देखो 1 और 1 से भी कम, 1 के आसपास ही है, बहुत जैसे कि 15% के ऊपर होना चाहिए हम बोलते हैं। तो ये भी खराब पे रहा है इसका, आ रहा है जो इसका है परसेंटेज। डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, चलो ये 0 डेट की कंपनी है बोल सकते हैं, कर्जा नहीं है। लेकिन बाकी के सारे पैरामीटर खरा उतरते नहीं है, मतलब खराब, एकदम खराब नजर आ रहा है। एक भी चीज इसमें सही नजर नहीं आ रहा है। और बाकी का आगे आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस था, यहाँ पर सितंबर में जो था 22 सितंबर 23 में कंपेयर करेंगे तो 9 करोड़ से 10-11 करोड़ के आसपास चला गया है। प्रॉफिट 1 करोड़ था, वो 90 लाख हो गया है। तो मतलब देखो कुछ ग्रोथ नजर ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। जो पहले जो थे देखो क्वार्टरली रिजल्ट इसके किस तरह से आते थे, 28, 35, 38, 50, 50 करोड़ के क्वार्टरली रिजल्ट हुआ करते। अब देखो एकदम कम होकर नीचे आ गया है पूरा का पूरा। यहाँ पर ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे तो सेल्स देखो पहले 2014 में 114 करोड़ हुआ करता था, तो बढ़ बढ़ के देखो कितने 133, 160, 148 करोड़ तक चला गया था। उसके बाद देखो 70 करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़ के ऐसा सेल डाउन होना नहीं चाहिए दोस्तों, एकदम कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ होना चाहिए। जैसे कि हम अच्छे कंपनियों को देखते हैं, ऐसा नहीं है 12 रुपए का शेयर मिल रहा है घुस जाओ अंदर, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी एक पेनी शेयर में दूसरा आपको बताता हूँ, एक वीडियो बाद में बीच में आपको वीडियो में के बीच में बताऊंगा, उसमें आप अच्छा खासा डाल सकते हो, जो कि अच्छा खासा पेनी शेयर उसको आप बोल सकते हो, अच्छा खासा बढ़ सकता है। अभी इस तरह से नेट प्रॉफिट भी देखेंगे बढ़ता हुआ होना चाहिए। देखो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी क्या चल रहा है इसके अंदर दोस्तों। यहाँ पर अब 1.5 करोड़ का दिखाई दे रहा है, 1-1.5 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है। प्रॉफिट खराब, सेल्स खराब, बराबर। तो इस तरह से ये भी इसका सब खराब ही नजर आ रहा है, बराबर। और यहाँ पर भी कैश फ्लो भी देखेंगे तो कभी नेगेटिव कैश फ्लो होना नहीं चाहिए। जब यहाँ पर नेगेटिव किधर किधर आ रहा है, हर बार नेगेटिव नेगेटिव, अगर पैसा तुमको प्रॉफिट दिखाई दे तो इसके अंदर माइनस क्यों दिखाई दे रहा है नेगेटिव कैश फ्लो? तो इस तरह से होना नहीं चाहिए दोस्तों, ये सब भी यहाँ का माइनस पॉइंट हो जाता है। और अब यहाँ पर बाकी का चार्ट इसका देखेंगे तो चार्ट देखो किस तरह का है। ऐसा नहीं कभी भी चार्ट अच्छा खासा बढ़ता हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रॉफिट में सेल्स में ही इसका प्रॉपर है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एक बार देखो ये अचानक से इसमें रॉकेट बन गया, 2 रुपए का शेयर 1 रुपए का शेयर, देखो बढ़ते बढ़ते सीधा यहाँ पर चला गया। ग्रीन एनर्जी के बारे में न्यूज चल रहा था वो टाइम पे, बस इसको भी हवा लग गई, ना तो कोई प्रॉफिट बढ़ा ना सेल बढ़ा, सिर्फ ऐसे टेम्पोररी इसमें पंप एंड डंप करके हो गया।
अचानक से बढ़ जाएगा, आप सोचोगे ये मैं 40-35 में आप निकले, आप यहाँ पर खरीद भी लेते 1 रुपए तो भी यहाँ पर निकल नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि अचानक से बढ़ता है, अचानक से पटक देते हैं सीधे यहाँ पर। देखो सीधा आपको वही जो रेट में आए थे उसी रेट में आप पहुंच जाओगे, तो इसलिए आपको कुछ भी अचानक, आपको थोड़ी पता है कि ये कौन से रेट पे आप निकले अचानक, क्योंकि इसमें ये बड़े बड़े इन्वेस्टर लगे होते हैं, पंप कर देते हैं अचानक से सारा का सारा माल बेच के निकल जाता है, अचानक से हो जाता है। तो इस तरह से इसमें भी हुआ है दोस्तों, तो इस तरह से ये एक खतरनाक शेयर है दोस्तों। अब ये आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये अचानक से ये इसमें 20% की बढ़ोतरी क्या होगी, इसमें क्या नजर आ रहा है, जैसे किसी का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से देखा तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि ये बढ़ता हुआ नजर आया। इसमें एक न्यूज था दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर लिखा है, दिया गया है यहाँ पर न्यूज दिया है, स्मॉल कैप स्टॉक जूम 20% ऑन टेस्ला कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखो इनको टेस्ला का कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों, यहाँ पर 20% का, इसलिए एक ही बार में जंप ले लिया इसने। तो यहाँ पर बताया, देखो विजय केडिया ने यहाँ पर उसकी सच्चाई बताया कि ये इलोन मस्क का टेस्ला नहीं है, टेस्ला जो है इलोन मस्क का नहीं है, ये दूसरा कोई टेस्ला पावर की कंपनी है, दूसरी कंपनी है कोई। टेस्ला बोला तो सबको बस इलोन मस्क का सीधा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली वो जो कंपनी नजर आती है दोस्तों, ये वो नहीं है, ये बैटरी की अलग कुछ कंपनी है। तो ये एक गलत यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लगाया, इसलिए ये लोगों को ऑर्डर तो मिला है चल प्लस पॉइंट है, लेकिन ऐसा टेस्ला का ये टेस्ला नहीं है जो कि जैसे कि कहा जाएगी इलोन मस्क वाला है। तो इसके चक्कर में शेयर बहुत आगे बढ़ गया है और लोगों को बस इसमें ये हवा में बहुत सारा 20% तक ये बढ़ गया है दोस्तों। तो देखिए मैंने फाइनेंशियल्स वगैरह तो इसमें आपको अच्छे से बताया है दोस्तों कि ये फाइनेंशियल्स जो किस तरह से है, कि कितने सालों से ये जो चल रहा है, ऐसा कुछ इसके अंदर कुछ पूरा ग्रोथ अगर नजर आए जो कंपनी का, यही आपको देखना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। अब यहाँ पर क्वार्टरली में भी देखो सब अच्छा रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर पे भी जो रिजल्ट पहले पहले अच्छे अच्छे आए थे, सेल वो भी सेल भी डाउन होते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें देखने लायक। और यहाँ पर आप जैसे कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो ये भी आपको बता देगा कि इसका यहाँ पर जो पहले इसका प्रमोटर होल्डिंग भी, प्रमोटर खुद यहाँ से अपनी हिस्सेदारी कम होती जा रही है और यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। तो इसमें दोस्तों ऐसा कंपनी को, प्रमोटर्स को ही अपने अंदर इसमें कुछ विश्वास ही नहीं कि आगे कुछ होने वाला है, तो फिर कंपनी का क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसमें आप खुद ही जान सकते हो दोस्तों, इसमें देखो हर एक लेवल पे हमने आपको बताया है इसमें क्या करना चाहिए, आप अपने दोस्तों इसमें खुद ही अपना रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये शेयर का कुछ भी हो सकता है। ऐसा सोचो कि आप 40 रुपए का शेयर बीच गया हुआ था एक समय, जैसे मैंने बताया आपको, तो जाने को कितना भी चला जाएगा, लेकिन उस समय आपको 2 रुपए में का शेयर हुआ अचानक से चला जाएगा 40, आप सोचोगे 80 हो जाएगा, लेकिन तब तक पटक के फिर से वो 2 रुपए पे लेके आ जाएगा। तो इस तरह के टाइप के शेयर में थोड़ा दूरी रहना चाहिए दोस्तों। ये किसी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, इसमें जो भी एक्शन लेना है अपने खुद अपनी सूझबूझ से, अपने खुद अपने दिमाग लगा के इसमें अपना खुद का ही रिसर्च करके इसमें पैसा लगाइएगा, क्योंकि इसमें जो कि लॉस होगा आपका होगा, प्रॉफिट होगा आपका होगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगता है इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कौन से कंपनी का रिसर्च आप देखना चाहते हो उसका नाम बताइए, ताकि हम इसमें ऐसा वीडियो ला सकें, और इसमें ताकि यह ऐसा कुछ शेयर मार्केट में कुछ ऐसा गलत कुछ फ्रॉड वगैरह होता है तो इसमें हम आपको जागरूक कर सकें। थैंक यू।